नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट आई में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। मीडिया में काफी डेरा सच्चा सौदा की जो अफवाहें हैं वो आपने देखी होंगी, मगर जो सच्चाई है वो वही बता सकता है जो कि डेरा सच्चा सौदा से काफी लंबे समय से जुड़ा है और डेरा सच्चा सौदा लगातार जाता रहा है। तो आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि डेरा सच्चा सौदा काफ़ी लंबे समय से जाते हैं और डेरा सच्चा सौदा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उनका व्यतीत होता रहा है। तो जानते हैं आखिर कैसा है डेरा का एनवायरनमेंट। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मनजीत सिंह। सर, आप डेरा सच्चा सौदा कब से जाते हो? 1996 से हमने नाम लिया था जी, हमारे सारे परिवार ने, और तभी से हम आते जाते हैं यहाँ पर। 15-15 दिन भी लगाते हैं, हमारा परिवार भी सारा आता है। तो हमें तो सच्चा सौदा में आके ही पता लगा कि अब दुनिया में कैसे जीना है, सच्चाई क्या है। जो हमारा जो परिवार है बिल्कुल नशा मुक्त है, और कभी भी उन्होंने जब से डेरे में आने लगे कभी नशा नहीं टच किया, और घर एक स्वर्ग का रूप बना हुआ है। जब से हम डेरा के साथ जुड़े हैं तो हमारी खूब तरक्की हो रही है हमारे परिवार की। सर, आप कहते हो एक तरफ कि गुरुजी ने आपको एक नशा मुक्त परिवार दिया है, गुरुजी के देने, मगर दूसरी तरफ मीडिया में इतनी अफवाहें फैलाई गई हैं, क्या मानना है आपका, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? हमारा मानना तो यही है कि मीडिया या तो किसी लालच में आकर बकाऊ रूप में हो गया है, या फिर मीडिया के ऊपर कोई ऐसा दबाव है कि मजबूरन मीडिया को गुरुजी के बरखिलाफ, दरबार के सच्चे सौदे के बरखिलाफ इतना कुछ कहना पड़ा, जबकि बिल्कुल सच्चाई कुछ और है और मीडिया ने बिल्कुल 100% ही गलत दिखाया बिल्कुल। सर, गुरुजी को समाज की, गुरुजी की जो ज़रूरत है आज समाज में, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? गुरुजी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, जब से गुरुजी के साथ ये घटना घटी है तब से इतना बुरा हाल हो गया है कि जो हमारा जो एरिया है बॉर्डर के, पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता है, वहाँ पर इतना नशा हो गया है, नौजवान लड़के समायक वगैरह इतनी करने लगे हैं, नशा इतना करने लगे हैं कि लोगों की जैसे मोटरों से केबलें वगैरह काट कर ले जाते हैं, लोगों की चोरी होने लगी, क्योंकि नशे करने से उनको पैसा तो कैसे मिलता नहीं, तो बहुत ही बुरा बना हुआ है माहौल जो है। सर, गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। जैसे मीडिया के बारे में आपने पूछा, तो मैं मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि जब गुरुजी ने और उनके जो श्रद्धालु हैं उन्होंने इतने बड़े भलाई के काम किए, वो आगे क्यों नहीं लाए, क्या कारण है? ये आप इंसान हो, एक इंसान होते हुए अपना हमारा फर्ज बनता है कि जो सच्चाई है उस भगवान से डरना चाहिए और जो सच्चाई है वो सामने लानी चाहिए। जैसे गुरुजी ने कितने भलाई के काम किए हैं, जैसे कि जो वैश्य हैं उनको नरक भरी ज़िंदगी से निकाल कर, और कैसे उनके मतलब शादियाँ करा रहे हैं और कैसे उनको जीवन दान दे रहे हैं, और कितना बड़ा ये काम है। दूसरा, जैसे किन्नर हैं, किन्नरों को तीसरी धारा में बकायदा गुरुजी लाए और समाज में उतना उनका कितना नाम हुआ। जैसे कि पीछे आपने सुना होगा कि एक जो किन्नर बहन वो एक जज बनी है, मुख्य धारा में आने के बाद उसने इतनी पढ़ाई करी कि एक जज बनी है। देखो, ये सब गुरुजी की देन है। सर, आप कहते हो कि गुरुजी ने इतना सब समाज के लिए किया, उसके बाद भी गुरुजी पे आरोप जो लगाए गए, क्यों? ये निराधार आरोप गलत हैं बिल्कुल, और यह जो अपना क्या बोलते हैं इसको, जो ड्रग माफिया वगैरह है, तो इनकी तो पहले ही गुरुजी को बहुत धमकी आती थी कि आप जो एक एक सत्संग में लाखों जीवों को जो अपना भी शराब ड्रग वगैरह चला रहे हो, तो हमें घाटा पड़ रहा है, या तो आप ये काम बंद कर दो नहीं तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। कभी कुछ हमने खुद ये मतलब देखा है कि बहुत धमकी आ रही थी, पर गुरुजी ने कहा एक ही लक्ष्य था कि दुनिया को स्वर्ग बनाना है। तो गुरुजी ने बोला कि हमने तो इस दुनिया को सुधारना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो गुरुजी इस चीज़ पर अड़े रहे और दुनिया को स्वर्ग के रूप में बनाते रहे, नशा छुड़ाते रहे, भलाई का काम करते रहे। तो जो माफिया वगैरह है उन्होंने ही ऐसी प्रोपेगेंडा रचा है कि जो प्रोपेगेंडा रच के झूठा सारा, तो फिर गुरुजी के जो बरखिलाफ ये सारा काम हुआ जी। सर, जो आपका विश्वास है गुरुजी पे, कितना विश्वास? विश्वास बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है गुरुजी के ही कारण है, क्योंकि हमारे साथ ऐसी कई बार घटना घटी हैं मौत के बराबर। तो जब हम सिमरन करते हैं तो उस समय कोई भी काम करते हैं तो नारा जरूर लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, तो मौत से भी हमें बचाया मेरे सतगुरु। सर, वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए जो गुरुजी ने कदम उठाए हैं वो किस तरीके के कदम हैं?
ये बहुत बढ़िया कदम है, ये बहुत ही अच्छे कदम है, क्योंकि जो इंसान एक नरक में धकेला हुआ है उसको उस दलदल से किस तरीके से मुख्य धारा में गुरुजी लेके आए वैश्यवृत्ति से लिप्त लड़कियों को, उनको वहाँ से लाकर उनके इलाज वगैरह कराकर और फिर उनको अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स वगैरह इंजीनियर वगैरह उनके साथ उनकी शादियाँ करवाई और उसके बाद फिर उनका घर जो आज स्वर्ग बना पड़ा है वो भी गुरु जी का धन्य करते हैं। सर कहते हैं कि जो सच्चा संत होता है वो सबको तारता है, मतलब कोई भी जीव ऐसा नहीं होता, चाहे पशु पक्षी हो कोई भी जीव। फिर क्या गुरु जी ने आदिवासियों के लिए कुछ किया है? हाँ जी, आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। ये उदयपुर की बात है, वहाँ पर जो आदिवासी थे वो कोई भी अगर दूसरा वहाँ जाता था तो तीर का निशाना उनका इतना था कि उसको दूर से ही तीर मार के ख़त्म कर देते थे वो। तो उधर जब गुरुजी वहाँ गए तो उस प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दे रहे थे बिल्कुल कि आपको ख़त्म कर देंगे वो। तो गुरुजी बोले वो हमारी जिम्मेवारी है, इन्होंने बकायदा अपना एफिडेविट लिख के दिया, अगर कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेवार हम खुद हैं, प्रशासन कोई जिम्मेवार नहीं है। तो इस तरीके से जब गुरुजी वहाँ पहुँचे, साथ में संगत पहुँची, तो उन्होंने वाकई ही एक बार इनके ऊपर अटैक किया। तो गुरुजी के पास जो अलौकिक शक्ति है उससे गुरुजी ने जब उनके ऊपर आशीर्वाद दिया तो उनके जो मन शांत हो गए और आस्ते आस्ते गुरुजी के पास आकर उन्होंने मतलब जो अपना बैठने लगे गए और आस्ते आस्ते वो फिर गुरुजी के श्रद्धालु बन गए और उनको फिर गुरुजी ने ऐसा मतलब सुधारा कि उनको नड़ा धड़ा कर उनको बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब मुख्य धारा में जाके और अच्छी तरह मतलब दुनिया के बराबर कर दिया। सर क्या गुरुजी ने ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है यानी कि प्रदूषण की समस्या है इसके लिए कुछ किया? हाँ जी, इसके लिए गुरुजी ने बहुत ही संगत को उपदेश दिए, बहुत के बेटा जैसे पराली मत जलाना। तो वाकई है जो सत्संगी है वो ये प्रशासन सरकार की तरफ से तो बाद में हुआ, तो गुरुजी ने तो बहुत कई साल पहले ही ये सत्संगत को अपना इसका एडवाइस दिया था कि आप प्रदूषण से मुक्त करें देश को। तो जो अपने सत्संगी परिवार हैं उन्होंने बकायदा इकट्ठे होकर रल मिल के जैसे जैसे 15 परिवार इकट्ठे हो गए, एक की पराली बाहर निकाल दी फिर दूसरे की निकाल दी, क्योंकि उस समय साधन नहीं थे बिल्कुल, अब तो साधन आ गया जो पराली बीच में ही खेत में गाड़ी जाती है। तो उस समय ऐसे ही मतलब बहुत सेवा करते रहे। सर ये जो मीडिया में है काफ़ी नरकंकाल जो है काफ़ी सूत्रों के हवाले से अफवाहों में रहा था, सुर्खियों में रहा था, इसके बारे में क्या कहना है आपका, क्या है ये नरकंकाल जो अपने दरबार में नरकंकाल? हाँ जी, वो ऐसे है कि जो भी इंसान श्रद्धा रखता है, जैसे उनके परिवार का कोई मेंबर टोड़ा छोड़ जाता है तो पहले लोग हरिद्वार या कीर्तपुर वहाँ पर उसके फूल लेके जाते थे, तो अपना जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा यहाँ पर है तो वो उनके अंदर जो श्रद्धा के मुताबिक वो उनके जो अपना संस्कार करने के बाद जो भी उनके फूल हड्डियाँ चुनते हैं उनको यहाँ दरबार में लाते हैं और यहाँ लाकर बकायदा गुरुजी उन पर दृष्टि डालते थे और आशीर्वाद देते थे परिवार को, क्योंकि परिवार का जो दुख गम है वो सब खत्म हो जाए। तो उसके बाद फिर उसको बकायदा नीचे गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर एक पेड़ लगाया जाता है। सर ये जो लड़कियों की सेफ्टी को लेके सवाल उठाया गया था, आप यहाँ पे काफ़ी समय से रहते हैं तो जनता को बताना क्या चाहेंगे कि किस तरीके की सेफ्टी है, किस तरीके की मर्यादा जो है डेरा में रखी जाती है? मैं तो सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जितनी सेफ्टी यहाँ सच्चा सौदों में है, जैसे एक बहन सच्चा बहन और सच्चे भाई की है, यह दुनिया में हमने कहीं देखी नहीं है और इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल कि यहाँ पर एक भाई कोई भी चाहे हो जो मतलब भाई उसको बहन समझता है और बहन जो है दूसरे को भाई समझती है, क्योंकि जो गुरुजी का उपदेश है कि जो भी अपना सत्संगी है आपने अपने से जो बड़ी है उसको माता के बराबर और जो बराबर वाली है उसको बहन के बराबर और जो छोटी उम्र की है उसको अपनी बेटी के बराबर समझना है और इस पर 100% अमल होता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। सर एक मीडिया में ये भी आई थी बात कि ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स किस तरीके की फोर्स है और गुरुजी ने इसका जो निर्माण है क्यों किया? दुनिया के भलाई कार्यों के लिए जब कहीं कोई भी आपदा आती है तो गुरुजी ने यह शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स इसलिए तैयार की है कि सभी जानते हैं, मीडिया वाले भी सभी जानते हैं, पर वो पता नहीं क्या बात है इसको दुनिया के सामने लाते क्यों नहीं है।
बड़ी हैरानी की बात है कि कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहले अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये ग्रीनेस फोर्स वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और आग को बुझाते हैं, जीवों को बचाते हैं। कहीं कोई फ्लड आ जाए वहाँ पर भी, जैसे हमारा एरिया है गगर नदी हमारे पास पड़ती है, तो वहाँ पर फ्लड आकर सड़कें टूट गई, बुरा हाल हो गया, तो प्रशासन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सका। जहाँ तक शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर जो मेंबर हैं बहन भाई, वहाँ जाकर इन्होंने राशन पहुँचाया उनके लिए और सड़कें जो हैं वो अपना उसके वृक्ष काट काट के रास्ते बनाए उनके लिए और उनके ऐसे बहुत मदद की मौके पर। सर बहुत सारे जो आपने देखे होंगे कि जो जीव हैं, मतलब जो मनुष्य हैं मंदबुद्धि कह सकते हैं हम उनको, हाँ सड़कों पे घूमते हैं, हाँ जी, तो क्या गुरुजी ने उनके लिए भी कुछ किया है? हाँ जी, गुरुजी ने स्पेशल वादा कराया कि जो भी ऐसे मंदबुद्धि जीव हैं उनको संभाल करने के बारे में, तो खुद सभी ब्लॉकों में जहाँ भी अपना सत्संगियों को ऐसे कोई मिलता है उसको ले जा के अपना बकायदा नहला धड़ा के उसका इलाज करा के उसको सारी तसल्ली करके और उसके घर पर पहुँचाया जाता है। सर गुरुजी सत्संग में क्या क्या बुराइयाँ छुड़वाते थे? सत्संग में गुरुजी जैसे कि नशों से मुक्त होना, और दूसरी बात है कि जैसे जैसे गुरबाणी में भी गुरु साहब ने लिखा है कि जो तीन वचन हैं, जैसे वो आपको पहले बताया कि मांस अंडा शराब से बचना, दूसरी माता धी बहन को अपनी माता धी बहन बेटी समझना जी, उसके बाद अपना ये जो कीमती समय है, जो जीवन है जो भगवान ने दिया है, इसको दूसरों के निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा में लगाना। सर बात ये आती है कि आप ये सब कह रहे हैं ठीक है, गुरुजी ने खूब किया है समाज के लिए, क्या एक आर्मी जो है हमारे लिए 24 घंटे वहाँ खड़ी होती है, जवान जो सेना के, क्या उनके लिए कभी कुछ किया है गुरुजी ने? हाँ, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो गुरुजी ने जो एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं गिनीज बुक में, जो सबसे ज़्यादा सच्चा सौदा ने ही ब्लड दिया है उनके लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद लाइन में खड़े होते हैं तो जो डॉक्टरों की टीमें आई होती हैं तो वो हाथ खड़ा कर जाते हैं कि हमारे पास अब जो है थैलियाँ ख़त्म होगी, हमारे पास अब हमारे पास पेटियाँ ख़त्म होगी, अब और ब्लड नहीं ले सकते, तो संगत जो है उनकी आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं कि हमें क्यों नहीं मौका मिला सेवा का। तो इस जो सच्चे सौदे को ब्लड मतलब बैंक को वो कहा गया है जी, अपना क्या बोलते हैं, हाँ जी, हाँ ब्लड पंप बोला गया है, जैसे जैसे डीजल का या पेट्रोल का पंप होता है ना जी, वैसे इसको ब्लड पंप का नाम दिया गया है। तो सच्चे सौदे ने इतना उन जवानों के लिए खून दिया है, जबकि हमारे ब्लॉक में हम खुद देखा है जी, हमने कि आते हैं हमारे पास प्रेमियों के पास कि हमें खून चाहिए, हम पूछते हैं आपके घर के इतने मेम्बर आप क्यों नहीं देते, बोले जी वो डर जाते हैं और फिर भी परवाह नहीं करते, फिर भी जाके PGI में चाहे देना पड़े चाहे कहीं भी देना पड़े तो हम जो साथ संगत है जाके वहाँ ब्लड देती है हमको। सर गुरुजी के यहाँ पे जो एक न्यूज़ ये भी आई थी कि बॉडी डोनेट होती है, क्या कारण है इतनी बड़ी संख्या में शायद ही कहीं बॉडी डोनेट करी जाती है, क्या होता है उसका, कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस किस चीज़ों? हाँ जी, जो अपना इंस्टीट्यूट है मेडिकल के, तो उन्होंने रिसर्च करनी होती है बहुत ज़्यादा, तो उस रिसर्च के लिए जो लोगों की भावनाएं बहुत गलत हैं आम दुनिया की कि अगर इसने आंखें दान कर दी तो इसको अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेंगी, ऐसे ऐसे करके, तो गुरुजी ने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो बॉडी है इसने आखिर जलकर राख हो जाना है, किसी काम में नहीं आना, तो जो रूह है असली चीज़ है वो तो भगवान के पास चलेगी और जो बॉडी है कि मिट्टी बन जाना है बाद में, तो ये बॉडी उन डॉक्टरों को देकर वहाँ पर इस पर वो खूब रिसर्च करते हैं मेडिकल में, ताकि दुनिया के मतलब इससे दुनिया की भलाई हो और आगे से आगे और इलाज हो सके। सर मूवीज बनाई थी बाबा जी ने, क्या कारण है उसका? जो आज का नौजवान है वो नशे की तरफ बुराई की तरफ इतना बढ़ गया है, इतना उसका दिमाग ख़राब हो गया कि उसको समझाना बहुत मुश्किल था। तो जैसे गुरु जी एक सत्संग लगाते थे उसमें मान लो कोई 20-30 लाख संगत आती थी, तो गुरु जी को ये मूवी इसलिए बनानी पड़ी कि दुनिया के सुधार वास्ते, कि जो भी नौजवान इस मूवी को देखता था उसको इस चीज़ का पता चल बिल्कुल स्पष्ट पता चलता था कि बुराई को से कैसे मैं बचना है और कैसे मेरी ज़िंदगी सुधरेगी। तो इतनी जो मूवी है जैसे कई थिएटर में चलती है, बहुत थिएटर में, तो उसमें
कई लाखों ही युवा जो हैं एक साथ उसको मूवी को देख के अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये भलाई के लिए है सब जी, सबके लिए। सर आज आप देखते होंगे कि धर्मों के नाम पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या गुरुजी ने धर्मों के जो भेदभाव मिटाने के लिए कुछ किया है? हाँ जी, गुरुजी तो जो गुरबाणी के मुताबिक कहते हैं अवल अल्लाह नूर अपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। गुरुजी तो हमेशा सभी धर्मों को मिलाकर चलते थे और चलते रहे हैं हमेशा, कि हम सभी उस भगवान के बच्चे हैं। ये जाति पाति जो इंसान ने बनाई है ये गलत है बिल्कुल, तो इस इन जो भेदभावों से बचकर उस भगवान का नाम लेकर निस्वार्थ भावना से सेवा करो, गुरुजी का यही उपदेश है हमेशा। सर सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार को पता ही है, जिधर मर्जी निगाह मार के देख लो, इस समय माहौल बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, नौजवानों के जीवन बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। जैसे एक नौजवान बच्चा उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसके माँ बाप दुखी, उसके भाई बहन दुखी, तो एक घर नरक बन जाता है। तो जब से गुरुजी उधर गए हैं सुनारिया में तब से ये हाल है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए, क्योंकि उन पर जो भी ब्लेम लगे हैं बिल्कुल गलत है बिल्कुल। तो उनको जब वो आ जाएंगे दुनिया को समझाएंगे और दोबारा फिर ये अपना जो देश है तरक्की भी करेगा और एक स्वर्ग का नमूना बन जाएगा। सर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो कि डेरा सच्चा सौदा को बस मीडिया के माध्यम से जानते हैं? उनको मैं यही बेनती करूंगा कि आप आंखों से आकर जहां देखो, क्योंकि जो बात कही गई है ना वो कुछ की कुछ आगे पहुँचती है। मेरी तो यही हाथ जोड़ के बेनती है कि आप यहाँ पर आके सच्चाई देखो, आंखों से देखकर फिर बोलना भी क्या है, भी यहाँ पर कितने अच्छे काम हो रहे हैं, कितनी सच्चाई है, कितना सब कुछ अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप सबने सुना कि इनका ये कहना है कि गुरुजी वहाँ पे आते थे, सत्संग फरमाते थे और सबसे बड़ी जो बुराइयाँ हैं कलयुग की जो बुराइयाँ हैं पर स्त्री पर पुरुष को गंदी नज़रों से देखना और नशा करना और मांसाहार, ये सारी बुराइयाँ छुड़वाना, क्या ऐसे संत की समाज को ज़रूरत नहीं? क्या आपके घर में बहन बेटियां हैं जो, क्या उनको इस ऐसे संत की ज़रूरत नहीं? ज़रा खुद सोचिएगा और विचार करिएगा और राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।